दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। आमतौर पर इंसान की मौत होने के कुछ समय बाद ही उसका शव खराब होने लगता है, जिसे ज्यादा देर तक रख पाना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन कुछ लाशें तो ऐसी हैं जो कई सदियां गुजरने के बाद भी सुरक्षित रहती हैं। कुछ लाशों के लिए उपाय करने पड़ते हैं तो कुछ बिना किसी उपाय के आज तक सुरक्षित हैं। आज के इस भाग में हम कुछ ऐसी ही डेड बॉडीज पर बात करेंगे। ये डेड बॉडी इटली के सैन फ्रेडियानो में रखी गई है। कहा जाता है कि जीटा एक कैथोलिक संत थी और जरूरतमंदों की देखभाल किया करती थी। लोगों का दावा है कि साल 1272 में जब उनकी मौत हुई तो उनके घर के ऊपर एक सितारा दिखाई दिया। 1580 में जब उनके शव को निकाला गया तो उनका शव एकदम सुरक्षित था। उसके बाद संत 1696 में उन्हें संत घोषित किया गया। 1846 में 22 साल के अंग्रेज ऑफिसर जॉन टॉरिंगटन नॉर्थ वेस्ट पैसेज की खोज के अभियान में लगे हुए थे, जिस दौरान उनकी मौत हो गई। उसके बाद उनके शव को तुंद्रा इलाके में दफना दिया गया। 1984 में जब उनकी कब्र को शिफ्ट करने के लिए खोदा गया तो उनका शव बिल्कुल सही सलामत था, जिसे देखकर सब लोग दंग रह गए। और इन सब के बारे में उस समय मीडिया में काफी खबरें पब्लिश हुई थी। बैशी दोर्जो एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे। कहा जाता है कि 1927 में उनकी मेडिटेशन करते समय मौत हो गई और उनके शव को ठीक उसी पोजीशन में समाधि दी गई। साल 1955 में उनके भक्तों ने जब उनका शव खोला तो उनका शरीर बिल्कुल सही सलामत था। उसके बाद उनके शरीर को एतिगाल काम्बियन पैलेस टेम्पल में रखवा दिया गया। ये डेड बॉडी दुनिया की सबसे सुरक्षित डेड बॉडीज में से एक है। लेडी जिनजुई हान राजवंश के एक पॉलिटिशियन की पत्नी थी। उनकी मौत 163 BC में हो चुकी थी और 2000 साल बाद जब उनके मकबरे को खोदा गया तो उनका शव बिल्कुल सुरक्षित था और यहाँ तक कि उनकी नसों में खून भी मौजूद था। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि उनकी मौत हार्ट अटैक के कारण हुई थी। 2 साल की रोजेलिया लंबार्डो नामक बच्ची की मौत 1920 में हुई थी और उसके पिता ने अपनी बेटी के शरीर को एक्सपर्ट्स द्वारा सुरक्षित करवाया। एक्सपर्ट्स ने रोजेलिया के शरीर को सुरक्षित करने के लिए अल्कोहल, ग्लिसरीन और सैलिसिलिक एसिड से एक ऐसा केमिकल तैयार किया जिससे उसका शरीर आज तक सुरक्षित है। सोवियत संघ के नेता व्लादिमीर लेनिन की मौत 1924 में हुई थी और उनके शरीर को सुरक्षित रखने के लिए केमिकल्स से नहलाया गया। आज उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वे आज भी जीवित हों। डेनमार्क के जटलैंड पेनिनसुला में यह डेड बॉडी बिल्कुल सुरक्षित हालत में पाई गई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस व्यक्ति की मौत 4th PV में हुई थी और उसका शरीर जिस तरह की मिट्टी में रखा गया था, वहां डेड बॉडीज को काफी लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इटली के साउथ पेरोल में पाई गई ये डेड बॉडी यूरोप के सबसे पुरानी ममीज में से एक है और ठंड के कारण ये आज भी सुरक्षित है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये बॉडी 3359 BC से 3105 BC के बीच की है। ये लाश कॉपर एज की याद दिलाती है और इस पर जो कपड़े हैं वह घास और चमड़ी के बने हैं। तो दोस्तों, आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।